कक्षा एक। चित्र भी बहुत कुछ कह सकते हैं। लिखना और पढ़ना सीखने से भी पहले बच्चे आसपास चित्रों को देखकर अपनी एक समझ बनाना शुरू कर देते हैं। उन चित्रों के माध्यम से वो इस दुनिया में अपनी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों की दुनिया में एक अलग ही जगह निश्चित करती है। आइए चलते हैं कक्षा के भीतर और जानते हैं कि चित्रों से कहानी कैसे बनाई जा रही है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। कौन सी कहानी सर? कहानी है एक छोटी बच्ची की। अब हम चित्रों को मिलाएंगे और एक कहानी बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। पहला चित्र। एक दिन राधा स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते हुए उसने कुछ देखा। चित्र देखो। अब आप बताओ कि उसने क्या देखा होगा। मुझे तो ये कोई गेंद लग रही है। हाँ, मुझे भी गेंद लगी। नहीं नहीं, मुझे तो कोई खाने की चीज लग रही है। ठीक, मगर स्कूल जाते हुए उसने रास्ते में देखा एक अंडा। उसने अंडा उठाया, बैग खोला, बैग में रखा और स्कूल चली गई। स्कूल जाकर उसने क्या किया होगा? चित्र देख के बताओ तो जरा। और उसने अपने सभी दोस्तों को दिखाया भी होगा। दिखाया भी होगा। गुड। लग तो ऐसा ही रहा है कि सब उस अंडे से खेलेंगे, क्योंकि सब बच्चे बस्ते के पास हैं। राधा ने जैसे ही बैग को खोला, उसमें से निकला क्या? एक चिड़िया का बच्चा। राधा ने जैसे ही बैग खोला, उसमें से एक नन्ना सा चूजा चूचू करते हुआ निकल के बाहर आया। थी ना कहानी मजेदार? अब हमें इस कहानी को एक शीर्षक देना है, नाम देना है। तो एक नाम बताओ। अंडे का फंडा। और जादुई बस्ता। जादुई बस्ता। और कोई बताएगा? बस्ते में अंडा। बस्ते में अंडा। बच्चों, आप इस कहानी को आप कोई भी नाम दे सकते हैं और अपनी कॉपी में उस नाम को लिखेंगे। इसके साथ हम एक काम और करने वाले हैं। क्या? 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 हम बैग में रखने वाली चीजों के नाम लिखेंगे। तो पहले बताओ तो सही, कौन कौन से नाम होते हैं बैग में रखने वाली? बोलो। चश्मा। ज्योमेट्री बॉक्स। पेंसिल बॉक्स। लंच बॉक्स। पेंसिल। किताब। रबड़। आप भी बताओ। स्केल। अब हम कॉपी में सबके नाम लिखेंगे और साथ में मजेदार काम भी करेंगे। क्या काम में मजा आता है? ड्राइंग बनाने में। तो चित्र भी बनाएंगे। अच्छा, और कहानी भी चित्रों के माध्यम से सुनना मजा आया?